23 मार्च को सिर्फ भगत सिंह शहीद नहीं हुए थे, पंजाब में एक और आदमी था, अवतार सिंह संधु उर्फ पाश। उनकी एक कविता बहुत चर्चित है, आज हम आपको सुनवा रहे हैं। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप्पी में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है तुम्हारी कलाई पर चलती हुई भी, जो तुम्हारी नज़र के लिए रुकी होती है। सबसे खतरनाक वो आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी ठंडी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर मोहित हो जाती है, जो रोज़मर्रा की साधारणतया को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के दुष्चक्र में गुम हो जाती है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर कत्ल हर कांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, लेकिन तुम्हारी आँखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। सबसे खतरनाक वो गीत होता है तुम्हारे कान तक पहुँचने के लिए जो विलाप को लांघता है, डरे हुए लोगों के दरवाज़ों पर जो गुंडे की तरह हुंकारता है। सबसे खतरनाक वो रात होती है जो उतरती है जीवित रूह के आकाशों पर, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते गीदड़ हुआते चिपक जाता है सदैवी अंधेरा बंद दरवाज़ों की चैगाठों पर। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप की कोई फांस तुम्हारे जिस्म के पूरब में धंस जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती।